नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आप इस दिवाली पे खरीद सकते हैं अगली दिवाली तक। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानकारी दूंगा जो कि ब्रोकरेज हाउस की नज़र पे हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसे स्टॉक्स अपने कस्टमर्स को बताया है कि इस साल की दिवाली में खरीदें, और जिनका कि अगर एक साल के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं तो उसमें आपको 20-30% तक का एवरेज रिटर्न मिलने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आइए मैं आपको उन्हीं सभी ब्रोकरेज हाउस के नाम के साथ ये बताऊंगा कि उनकी चॉइस कौन सी है, और फिर उन सभी ब्रोकरेज हाउस के जो भी स्टॉक पिक्स हैं उनमें से हम मोस्ट कॉमन स्टॉक्स चुनेंगे जिनको सेलेक्ट करके आप अपना एक अलग से भी पोर्टफोलियो या अपनी स्टॉक पिक्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस ब्रोकरेज हाउस की बात करूंगा वो है एक्सिस डायरेक्ट। एक्सिस डायरेक्ट ने कुल मिला के 12 स्टॉक्स के बारे में बताया है, जिसमें अशोक लेलैंड, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, L&T इन्फोटेक, मिंडा इंडस्ट्रीज, मोल्टेक पैकेजिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टील स्ट्रिप्स व्हील, टाइटन कंपनी और ट्राइडेंट, ये 12 कंपनी इन्होंने सजेस्ट की हैं। अगला जो ब्रोकरिंग हाउस है वो है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से 9 स्टॉक्स बताए गए हैं इस दिवाली पे, जिसमें से अरबिंदो फार्मा, बाटा, GMM है, HDFC बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, RBL है, सफारी है, TTK प्रेस्टीज है, TV टुडे है, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से 5 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बजाज फिनसर, धामपुर सुगर, डीमार्ट, JK पेपर और मारुति कंपनी इस लिस्ट में शामिल है। अगला जो ब्रोकरिंग हाउस है वो है रिले गेयर। इनकी तरफ से 7 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अशोक लेलैंड, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, कमिंस इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मारुति सुजुकी इंडिया और वोल्टास जैसे स्टॉक्स को इन्होंने शामिल किया है। अगली जो ब्रोकरिंग हाउस निकल के आता है वो है शेर खान। शेर खान की अगर हम लिस्ट देखेंगे तो इन्होंने भी 12 स्टॉक्स के बारे में बात किया है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये 2 स्टॉक आपको पता चल रहा होगा कि कॉमन हो चुके हैं, डिवीज लेबोरेटरी, ICICI बैंक एक कॉमन हो जाता है, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, जुबिलेंट फूडवर्क्स, L&T, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोटेक, ये एक रिपीट स्टॉक आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक रिपीट स्टॉक आ चुका है, सुंदरम फास्टनर्स और अरविंद, ये कुछ एक 12 स्टॉक्स हैं जो शेर खान के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपना जो एनालिसिस रहता है वो शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा वो चैनल ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के भी मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो ब्रोकिंग हाउस है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है IIFL। इन्होंने 8 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज है, बायोकॉन लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक है, माइंट्री इंडस्ट्रीज है, एम्फेसिस इंडस्ट्रीज है, मदरसंस, सुमी सिस्टम्स है, पेट्रोनेट LNG है और रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला जो ब्रोकिंग हाउस है वो है HDFC सिक्योरिटीज। इनकी तरफ से भी लगभग 10 स्टॉक के बारे में लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, कमिंस इंडिया, डॉक्टर रेडिस, ICICI बैंक, सीएंड, सनफार्मा, पराग मिल्क्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन और HPCL, ये 2 स्टॉक में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही अलग स्टॉक हैं। और अगला जो हमारा ब्रोकरिंग हाउस है जिसके बारे में बताऊंगा वो है BP वेल्थ। इनके द्वारा 7 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज है, एक्ले केले सॉल्यूशंस है, अशोक लेलैंड है, GMM है, मॉइल मेटल्स है, सुविन लाइफ साइंस और वोल्टास, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो इनकी लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो इसमें से अगर हम कॉमन स्टॉक्स की लिस्ट निकालना चाहें तो 9 ऐसे स्टॉक्स निकल के आते हैं जो कि कॉमन हो रहे हैं, किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस ने उनके ऊपर अपना व्यू बनाया है, जिसमें से ICICI बैंक है जिसका करंट मार्केट प्राइस 355 रुपये के आसपास चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आरती इंडस्ट्रीज है, अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग 3 से 4 ऐसे ब्रोकरिंग हाउस हैं जिनकी वॉच लिस्ट में है, वोल्टास है, मारुति सुजुकी इंडिया है, ब्रिटानिया है, GMM है एंड L&T इन्फोटेक। तो कुल मिला के ये 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर बाकी के ब्रोकरेज फर्म्स की भी नज़र बनी हुई है। इसके अलावा भी बहुत से ब्रोकरेज हाउस हैं जिनकी तरफ से और भी ज़्यादा लिस्ट जाहिर की जाएगी, तो वो जो भी लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वो चैनल ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।
हालांकि चलिए अब हम इनका एक तरीके से टेक्निकल चार्ट भी देख लेंगे कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ है और किस समय आपको एंट्री लेनी चाहिए। क्या इसी दिवाली पे ले लेनी चाहिए या फिर दिवाली के बाद अगर कभी कोई डिप आता है या फिर कहीं से ये बाउंस लेने की कोशिश करता है, इसका कोई सपोर्ट आ रहा है तो वहाँ पे आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, वो हम टेक्निकल चार्ट पे भी देख लेंगे। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपसे आईसीआईसी बैंक के बारे में चर्चा करूंगा। आईसीआईसी बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें एक सपोर्ट आपको स्ट्रांग नज़र आ जाएगा जो कि 255 रुपये के आसपास आता है, जहां पे स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। और ऊपर के साइड में ही अगर हम बात करेंगे तो 330 से लेके 360 रुपये की जोन में कई बार स्टॉक आकर के वहाँ से गिरावट इस स्टॉक में आई है। करंटली स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से भी स्टॉक में गिरावट आई थी। अभी जो ब्रेकआउट आया है वो हो सकता है थोड़ा लंबे समय के लिए भी जा सकता है, तो अभी आप इसमें पार्शियल बाइंग कर सकते हैं या फिर किसी गिरावट का भी इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए हम अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। इसमें आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड चैनल बना के रखा हुआ था, एक जोन बनाया हुआ था जिसके बीच में स्टॉक हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा था, और ये चैनल ब्रेक करने के बाद स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली देखने को आई थी जो कि लगभग 1300 तक गई थी। अभी स्टॉक जो है अपने ऊपर वाले चैनल के आसपास ही कोट कर रहा है, तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वैसे भी क्योंकि 1 साल का नज़रिया है और जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लाने की बात की है जो कि इनके जियो फाइबर या फिर जो घर तक आपके इंटरनेट आने वाला है, उसके वजह से भी इनको एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना बन जाएगी और इंडस्ट्री और इस स्टॉक से भी आपको एक अच्छा मुनाफा होने की संभावना बन सकती है। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आरती इंडस्ट्रीज। इसमें भी आप देख सकते हैं स्टॉक जो है मार्केट में गिरावट आने के बाद भी जहां मार्केट ने अपने प्रीवियस लोज को टच किया है वहां पे अभी भी ये स्टॉक जो है अपने हायर लेवल्स के आसपास ही कोट कर रहा है। इवन दो इसका जो हाईज है 52 वीक्स हम बोल सकते हैं वो लगभग 1450 के आसपास है, और वहाँ से करंटली स्टॉक जो है 1350 के लेवल पे कोट कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से अपने मिडल हाई लेवल पे है। और अगर आप डाउनसाइड की बात करेंगे तो आप 1200 के आसपास अगर इसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे तो वो एक अच्छा जोन बन सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये एक उसका रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और ब्रेक करने के बाद इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने कई बार अपना सपोर्ट लिया है और यहीं से स्टॉक में बाउंस भी आया है। तो अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। इसमें 100 रुपये के आसपास के एक ऐसे लेवल है जहाँ पे स्टॉक ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, 130 140 तक जाता है स्टॉक और फिर 100 रुपये के आसपास यहाँ पे गिरावट आती थी। 160 के इसने 52 वीक्स के हाइज लगाने के बाद जब गिरावट आई थी फिर से 105 पे सपोर्ट लिया था, 135 तक गया फिर सपोर्ट लिया, 123 तक गया और अभी करंटली 110 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इसमें भी आप करंट लेवल पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। इसके 52 वीक की बात की जाए जो कि 167 रुपीज़ के आसपास है, तो यहाँ से इस स्टॉक में अगर अपना वो लेवल भी हासिल कर लेता है तो आपको लगभग 40% तक का रिटर्न इस स्टॉक में आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब हम जिस स्टॉक को देखने जा रहे हैं वो है वोल्टास। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक हम बोल सकते हैं, ऊपर के नीचे के लेवल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है, लगभग 500 से 650 या 700 रुपये के लेवल में ये स्टॉक घूमता है और करंटली अभी अपने लोअर लेवल के आसपास है, यानी कि जो 500 रुपये हैं वो इसका एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम बोल सकते हैं। तो करंट लेवल पर भी आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, अगर यहाँ से स्टॉक में वापस से एक और रन अप आता है तो ही आपको लगभग 650 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम देखेंगे वो है मारुति सुजुकी। ये अपने ऊपर के लेवल से लगभग 40% तक की गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है, यानी कि 10,000 के लेवल से स्टॉक जो है अभी लगभग 6,500 7,000 के लेवल के आसपास ही घूम रहा है। आप देखेंगे प्रीवियसली 6,200 6,300 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और ब्रेक करने के बाद इसमें वन साइडेड अप साइड की रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। अभी स्टॉक उन्हीं लेवल के आसपास है तो ये एक एक्युमुलेशन जोन हम बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे एक बड़ी गिरावट के बाद जो छोटा बाउंस आया था अभी स्टॉक उसी के सपोर्ट लेवल पे या उसी के लोअर लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ से आइधर किसी भी साइड की डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस जिस तरीके से इस स्टॉक पे पॉजिटिव है और 2-3 ब्रोकरेज हाउस ने अपनी लिस्ट में इस स्टॉक को रखा है तो हो सकता है यहाँ से स्टॉक और भी ज़्यादा ऊपर के लेवल दिखा सकता है। अगला जो स्टॉक है वो भी एक तरीके से हम बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव कैटेगरी का है जो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। ये स्टॉक भी वन साइडेड ऊपर की रैली दिखाई थी, इसने 7,000 तक के लेवल को टच किया था और वहाँ से वापस से स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, यानी कि लगभग
5200 तक के लेवल्स को स्टॉक टच करके वापस से बाउंस दिखा रहा है, तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे आप इस स्टॉक को भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव स्टॉक है और गिरावट दिखा रहा है, तो इस प्राइस पे आप थोड़ी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। जब वापस से इसका अप ट्रेंड शुरू होगा उस समय आप अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एलएनटी इन्फोटेक। इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से ये एक ही जोन में कोट कर रहा है, यानी कि जून जुलाई के महीने से 21 का जोन बना हुआ है। 1600 से लेकर 1800 या फिर 1900 के रुपए का जो हम बोल सकते हैं उसी जोन में स्टॉक कोट कर रहा है। 1600 पे आता है, 1800 1900 तक जाता है, वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है, और करंटली उसी रेंज की जो बॉटम लाइन है उसी के आसपास स्टॉक कोट कर रहा है। तो यहाँ पे भी पार्सली बाइंग इस स्टॉक में की जा सकती है, और यहाँ से ऊपर साइड के लेवल्स अगर बोले शॉर्ट टर्म में, तो 2000 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि बाकी ब्रोकरेज हाउस का मानना है तो इस स्टॉक में ऊपर में और भी ज़्यादा आपको 15 से 20% तक के रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ एक स्टॉक है जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लगभग 15 से 20% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना बन सकती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस ने अपने अपने रिपोर्ट में एज अ दिवाली पिक्स के तौर पे सभी को बताया है। उम्मीद करूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इस वीडियो में दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी, जिसका फ़ायदा भी आप उठा सकेंगे। एज अ डिस्क्लोज़र आपको बताना चाहूँगा, जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बताई है या चार्ट्स आपको दिखाए हैं वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के तौर पर मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ।